Hey guys, welcome back to my YouTube channel Wish Vlogs. I hope you guys are doing fine. तो आज अभी हम खड़े हुए हैं कपूरथला में. कपूरथला में कहाँ पे? साई मंदिर की बगल वाली गली में. जो लोग लखनऊ में रहते होंगे वो उनको अब तक समझ में आ गया होगा. तो हम क्यों आए हैं कपूरथला आए हैं हम गब्बर से मिलने. तो गब्बर से मिलने हम कपूरथला क्यों आए हैं? गब्बर कहाँ से आ गया? शोले मूवी इज बैक? नो, एक्चुअली हम आए हैं गब्बर से मिलने, गब्बर चाय स्टॉल पे. तो हेयर इट इज, यहाँ पे आपको मिल जाएगा गब्बर का मेन्यू कार्ड. तो दिस इज गब्बर की चाय, सांभा का समोसा, ठाकुर के पराठे, राधे के छोले चावल एंड कालिया की मैगी. लुक, आई हैव फाउंड अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. गब्बर की चाय, जब तक दूर दूर तक किसी को चाय की तलब होती है तो वो कहता है कि चल गब्बर की चाय हो जाए. वेरी नाइस. अरे ओ सांभा, कितने दाम रखे हैं मेरी स्पेशल थाली का? सरदार पूरे 55. रामगढ़ की स्पेशल थाल 55 रुपये में. यहाँ पे कई सारे अभी हमारे कस्टमर्स भी बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं. तो वील टॉक टू भैया एंड टॉक टू कस्टमर. गब्बर के अंदर तो गब्बर जो टी स्टॉल कपूरथला में खुला है, हम वहाँ आके बैठे हुए हैं. बहुत ही अच्छे टाइल्स वगैरह लगा के, मस्त चेयर डॉक वगैरह बना के इन्होंने अपना बना रखा है. एंड दिस इज लुकिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल. तो अब टाइम है आपको इस शॉप के ओनर से मिलवाने का. एंड उनका नाम है? जी, मेरा नाम राहुल है. राहुल भाई हैं, हमसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं. वेरी 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 क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, सजेस्टेड मी कि मैं कपूरथला आऊं और गब्बर ट्राई करूं. तो देखिए, बहुत ही यूनिक नाम है आपकी शॉप का कि गब्बर की चाय. जी जी. सो हाउ डज दिस केम टू योर माइंड? कैसे? एक्चुअली ये कई सालों से मेरा प्लान था. इस पर मैं काम कर रहा था कि मुझे कुछ ऐसा नाम हो जो लोगों में और खासकर से यूज में, जितने यूथ लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो. इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा नाम रखा जाए जिससे लोग और ज़्यादा हों. चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया, यूथ को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करिए, जैसे हमारे अंबानी जी आजकल कर रहे हैं 4G 5G के साथ. खैर बहरहाल, ये हिस्ट्री क्या है गब्बर की? क्योंकि गब्बर ये नया नाम मेरे लिए तो नहीं है. MIT यूनिवर्सिटी में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पढ़ते हैं तो मुझे पता है ये कैसे, वो क्या हिस्ट्री क्या है हमारे गब्बर की. 2014 में मैंने MIT यूनिवर्सिटी में, मैं वहीं का एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने वहीं खोला था 2014 में. मेरा ये गब्बर इज़ बैक है. अरे वेरी नाइस. अच्छा, दिस इज गब्बर इज़ बैक. ओके ग्रेट. वो पहले मैंने वहाँ खोला था, तो वहाँ के बाद मुझे लगा कि कुछ अपने ही ऐसा कपूरथला में भी करना चाहिए, तो फिर मैं यहाँ इसको ले गया. और मुझे शोले मूवी बहुत पसंद थी, उसमें इनका रोल मुझे बहुत था, गब्बर सिंह का, तो वो मेरे कैरेक्टर मेरे दिमाग में हमेशा रहा. तो अब आप समझ ही सकते हैं मूवीज़ हमें कितना इफेक्ट करती हैं. भाई लव शोले, और उसमें शोले के बाद की बात हम करें तो गब्बर का तो मतलब एक्टिंग के सुपर डुपर फैन है. अब सोचिए शोले, व्हाट अ मूवी शोले वॉज, कि आज तक उसका नाम चल रहा है और वो भी उसके विलेन का. बात विलेन की हो रही है यहाँ पे, बट द फिनोमिनल एक्टिंग, द फिनोमिनल एक्टर, दैट्स व्हाई गब्बर की चाय एंड गब्बर की चाय इज बैक. क्या है उसमें, दो चीज़ें बहुत हैं. पहली चीज़ तो ये था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आपका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, आप उसमें खुशी ढूंढें. मुझे लगा कि एक ऐसी चीज़ करता हूँ जिससे मैं लोगों से जुड़ सकूँ, जो मेरे यूथ हैं, जो जिनको चाय, और शायद मेरे ख्याल से भारत में चाय एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, जिसको बिना सुबह उठे चाय चाहिए, बिना बोला हर समय चाय चाहिए. और ये 12 मास है, आप किसी भी चीज़ देखिए 12 महीने आपको चाय बंदा मिलेगा खास पीने वाला. तो ये मुझे लगा कि चाय का कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जो मुझे लेके चलना चाहिए, और ख़ास से यूथ जो है, जो हम उम्र लोग हैं, वो इससे खास जुड़े रहते हैं. और दूसरी चीज़ ये था कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर ढूंढना था, क्योंकि लोग ऐसा होता है ना कि आदमी, आजकल के जो लोग हैं, हर आदमी क्रिएटिविटी लाना चाहता है. मैंने भी वही थोड़ा सा किया, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आगे और अच्छा कर सकूँ. अच्छा, जो MIT में हमारा जो स्टॉल था, जो शॉप थी, इज दैट रनिंग येट? अभी भी चल रही है? नहीं नहीं, वो नहीं चल रही है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली मुझे अपने घर पे ही खोलना था. अच्छा. वो मुझे एक्सपीरियंस बहुत वहाँ से मिला, काफ़ी एक्सपीरियंस मिला कि नहीं है, फिर मैं यहाँ आया. अच्छा. और ये मेरा और एक दोस्त, दो लोग थे हम लोग इसके पीछे, ये जो प्लान था ये गब्बर का, इस पर दो लोग थे. फिलहाल वो अभी टाटा TCS में है, वो अपना जॉब पे है. तो फिर हमको लगा कि क्यों ना इसको अपने घर पे ही. अच्छा, तो ये जो है द प्लेस वेयर गब्बर इज, ये भैया का घर है? हाँ, मेरा घर. हाँ, तो बहुत ही बड़ी बात है. अच्छा, जो आपके इम्प्लॉयज वगैरह हैं, कोरोना में आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको. एक्चुअली यहाँ तो बड़ा मुश्किल था मिलना. अच्छा. तो मैं कई जगह इसको मैंने ढूंढा कि कहाँ से एम्प्लॉय ऐसा लाऊँ कि जिसको मैं यहाँ पे रखूँ और उनको वो सारी फैसिलिटी दे पाऊँ.
तो मैं इन लोग को फैजाबाद से एक विलेज से लेके आया और उनको मैंने यहाँ पे चेक किया, उनका टेस्ट समोसे का और चाय का, फिर उनसे थोड़ा सा मेरा अटैच भी रहा, तो फिर मैं उनको लेके आया यहाँ। फिर मैंने ऊपर इनको रहने होने का सब कुछ अपना। अच्छा, आपने अपने घर में ही जगह दे रखी है इनको रहने के लिए? अमेजिंग, मतलब हाउ गुड पीपल आर इन दिस सोसाइटी। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा, इन थोड़ा सा ये लोग पुअर हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको ऊपर रखा जाए और सारी फैसिलिटी इनको दी जाए जो इनको मिलनी चाहिए। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट घर में रख रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं, बस इनको शॉप में काम करना है, जो भी इनकी सैलरीज हैं इनको मिल रही हैं। इससे अच्छा और कहाँ ही हो सकता है। आई थिंक सो, मतलब बेस्ट यू नो वर्किंग एटमॉस्फेयर दे हैव इन दिस टी स्टॉल। मैंने सारे गब्बर के सारे कैरेक्टर को मैंने इसमें इस मेन्यू में देखा। हाँ, बिल्कुल, अपनी मेन्यू पढ़ के बताइए सर। हाँ, ये देखिए, मैंने सबसे पहले रखा है, मेरी USP ही है, मेरी USP गब्बर की चाय है। ओके, ग्रेट। हाँ, जो सबसे स्पेशल चीज है वो गब्बर की चाय है। फिर उसके बाद मैंने रखा है सांभा का समोसा, वेरी गुड। फिर सांभा का ही प्याज की पकौड़ी उसी में है। फिर उसके बाद यहाँ से आइएगा तो आपको ठाकुर के पराठे मिलेंगे। ठाकुर जी भी हैं, ऐसा नहीं है, हम ठाकुर साहब को भूले। ठाकुर के पराठे हैं, पनीर पराठे हैं, आलू पराठा है, गोभी पराठा है, ठीक है। फिर राधा छोले चावल है राधा जी के। वेरी नाइस। फिर कालिया की मैंने प्लेन मैगी रखी हुई है, कालिया की वेजिटेबल मैगी है, बसंती के छोले पूरी है और सुरमा भोपाली का बन मक्खन है। वेरी नाइस। तो ये जो है ये गब्बर की चाय का मेन्यू नहीं है, ये शोले पिक्चर का मेन्यू है। इसमें सारे कैरेक्टर्स हमारे कवर्ड हैं। कुछ कैरेक्टर हैं जिनको मुझे अभी उस पर कुछ सरप्राइज है, क्योंकि सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलने चाहिए। तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। जय वीरू हो गए, अभी जेलर हो गए। अरे अभी तो लुक, यू नो, थिंग्स स्टेप बाई स्टेप वर्क करती हैं। ये हमारा पहला स्टेप है आफ्टर MET। जो भी वहाँ परिस्थितियाँ बनी, जो भी कुछ हुआ, आज भैया अपने घर में कपूरथला में, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स अ प्राइम लोकेशन। मैं पूरा लोकेशन भी आपको दिखा दूंगा और आपका ये जो गूगल एड्रेस है मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आइए और चेकआउट करिए। मैं ये कहता हूँ, अच्छा, चाय की क्वालिटी के बारे में अगर आपसे हम बात करें, हमारे ये परमानेंट कस्टमर हैं। अच्छा, ये लोग हमारे परमानेंट कस्टमर। अच्छा अच्छा, डेली इनसे कुछ पूछ सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं। बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। तो मतलब आप अपनी चाय की क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं यही कहूँगा कि दिन दिन प्रतिदिन मैं इसको और अच्छा करूँगा। लोग आते हैं आप यही कहते हैं, बाकी अच्छी चीज ये है कि बहुत दूर दूर से लोग आने पी रहे हैं। सबसे मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो आ रहा बंदा दूर से आ रहा कि चलो यार गब्बर की चाय पीते हैं, तो कुछ तो मुझे तो सिर्फ ये है, मेरा एक ही मकसद है कि क्वालिटी ऑफ ब्रांड। जो मैंने गब्बर नाम रखा है ना, उस इसीलिए रखा है कि आदमी को लगे कि हाँ मैं वहाँ चाय पीने जा रहा हूँ तो चाय की क्वालिटी हो। आदमी इतनी दूर से आता है, सिर्फ ऐसे नहीं आता, उसको कुछ ना कुछ अच्छा लगे या कुछ पीने आता है, तो और इसीलिए मैंने चाय रखा। मेरी USP चाय है। और भैया लोग हैं बाकी ये लोग, लुक, अभी मैंने भैया से जो बात करी उसमें मेरे को एक चीज़ पर्सनली मेरे को ये रियलाइज़ हुई, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वी जस्ट डील इन वन थिंग। हमारे भाई हैं ये, अब तक हमसे इतनी देर से बात कर रहे हैं, हम पहले से भी एक दूसरे को जान रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये हमारी एक इंटेंशन है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम एम्प्लॉई वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस भी है। डू कम टू अस एंड ट्राई अ कप ऑफ टी विद अस। दिस वॉज गब्बर की चाय विद ऋषभ यादव। एंड अभी हम और भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे, हमारे भैया के कुछ परमानेंट कस्टमर्स बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो भैया से हमारी बात हो गई है ख़त्म और हमें मिल गए हैं दो परमानेंट कस्टमर्स, कहाँ के, गब्बर की चाय के। तो अब हम उनसे पूछते हैं कि आखिर रीज़न क्या है गब्बर की चाय पीने का, वो डेली यहाँ क्यों आते हैं, क्या कारण है उनका यहाँ आने का। और भैया ने जैसा हमें बताया, परमानेंट कस्टमर्स। परमानेंट कस्टमर मतलब सुबह शाम जब भी वो फ्री होते हैं तब वो आते हैं कहाँ, गब्बर की चाय में। तो मिलते हैं भैया, आपका नाम क्या है? आदर्श मिश्रा। आदर्श मिश्रा, आदर्श मिश्रा जी से मेरी बात पहले हो चुकी है, इन्होंने बताया ये कोचिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ डेली क्यों आते हैं और आपको यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? देखिए, कोचिंग टाइम जब जाते हैं तो रिटर्न भी होते हैं, इधर से ही जाना होता है, तो मैंने देखा कि चाय के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस यहाँ पर है और चाय का क्वालिटी जो है नंबर एक का है यहाँ पर। कुल्हड़ चाय पीते हैं तो एकदम देसी फील होता है और चाय का स्वाद भी बढ़िया रहता है और आसान, हम लोग यहाँ से पी भी सकते हैं आसानी से। अच्छा, अभी आप यहाँ पे, इन्होंने इंजॉय करिए बहुत ही बढ़िया थाली, तो थाली के बारे में आप मुझे क्या बता रहे थे, कैसा टेस्ट आता है थाली? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेट्स जो हैं बहुत ही आसान है, कम पैसे में आप अच्छा क्वालिटी का खाना खाइएगा। बाहर खाते हैं हम लोग खाना तो रेट्स का ज़्यादा इशू होता है, स्टूडेंट लाइफ में आप जानते हैं पैसे का बहुत वो रहता है, तो 55 रुपीज़ में थाली का बहुत ही अच्छा पैसा भी है और खाना इतना स्वादिष्ट है ऐसा लगता है घर पे ही खा रहे हों। ये बहुत बड़ी बात है,
कहीं भी आई हैव बीन अ स्टूडेंट, मैं भी कोचिंग सेंटर्स में रहा हूँ, कॉलेजेस में रहा हूँ, जब हम कहीं बाहर निकलते थे हमें सिर्फ एक चीज़ महसूस होती थी कि हम कहीं बाहर का खाना खा रहे हैं। अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि उसे घर जैसा खाना मिलता है, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो गई। चलिए एक भैया से तो बात हो गई, अब हम हमारे दूसरे भैया से बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सुधांशु मिश्रा। सुधांशु, सो सुधांशु जी आप ये बताइए क्या पसंद है आपको गब्बर की? मुझे बस, मैं चाय का तो बचपन से शौकीन रहा हूँ और मुझे यहाँ की चाय की क्वालिटी अच्छी लगी, बस मैं इसीलिए यहाँ चाय पीने आता हूँ। अब बचपन से जो लोग शौकीन रहे उनको भी यहाँ की चाय अच्छी लगी, दैट मीन्स यू मस्ट ट्राई इट ओवर हियर। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और साथ ही खाने के साथ आप जब भी यहाँ खाएंगे तो लास्ट में स्वीट्स भी भैया देते हैं, वो भी 55 रुपीज में ही इंक्लूड है। क्या बात है, वो भी एकदम ताजा मिलेगा, फ्रेश। क्या बात है, ये तो मतलब फैसिलिटीज ऐसी बढ़ा रखी है ना भैया ने, ये तो मुझे भी टेम्प्ट कर रहा है कि आप डेली शाम को मैं यहाँ आऊँ और भैया से कुछ खाने पीने का ले लूँ, मुझे जो है कुछ डिस्काउंट्स वगैरह दे देना आप, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा लगा हमें हमारे दो भाई लोगों से बात करके। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। खैर तुम लोग कोचिंग कर रहे हो, ज़्यादा वीडियो मत देखना, पढ़ाई करना वो बेहतर है तुम्हारे लिए। खैर बहरहाल, सो फाइनली वी आर डन एट गब्बर की चाय, कपूरथला में है। इसका एड्रेस मैं आपको पूरा बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। राहुल भैया का नंबर भी फ्लैश कर रहा है अभी। भैया कोशिश कर रहे हैं कि स्विगी वगैरह वालों से अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना के अगर डिलीवरी सर्विसेज भी वो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो भैया अगर यहाँ कोई हजरतगंज की तरफ से आना चाहता है तो कैसे आएगा, रास्ता बता दीजिए। हजरतगंज से आईटी चौराहे आ जाए, आईटी चौराहे से सिर्फ एक पुल पड़ता है जो डायरेक्ट कपूरथला के लिए उतरता है, जहाँ पुल खत्म होता है जी, वहाँ रिलायंस डिजिटल का इतना बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा, जस्ट बगल में आप मुड़ेंगे, वहाँ किसी से भी पूछेंगे गब्बर बता देगा बस। तो भैया की शॉप ऑलरेडी फेमस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा दिन अभी हमें यहाँ पे नहीं हुए हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ अभी 20 दिन हुए हैं जी, आई एम राइट भैया? हाँ, 20-22 दिन हुए हैं, हम नए हैं लेकिन लोग हमें पूरी तरीके से यहाँ पे जान गए। भैया ने बहुत मेहनत करी है, वेदर ही वॉज एट एमिटी और ही इज़ इन कपूरथला लखनऊ, आप लोग यहाँ आइए एंड डू हैव अ सिप, एंड उसके बाद गब्बर तो गब्बर है, अगर नहीं आए ना तो 50 कोस दूर से हम भेज देंगे डाकू, समझ रहे हो? सो गाइज नाउ आई एम आउट ऑफ गब्बर की चाय एंड अब हम जा रहे हैं घर, अब कोई खास हमारे पास काम बाकी रह नहीं गया है। तो आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करने का आपके पास पूरा ऑप्शन है। और जो लोग लखनऊ में रहते हैं या कभी लखनऊ आना हो और कपूरथला से गुजर रहे हो तो ज़रूर गब्बर की चाय पी के जाएँ, बिकॉज इट वॉज़ फिनोमिनल। And thank you so much for watching. Bye-bye.